हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल चार्ट के बारे में, और ये गूगल चार्ट क्या है, किस तरह से वर्क करना है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये हेल्पफुल है, अगर आप टीचर हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आप एक ऑफिस में वर्क करते हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। ये सबके लिए वीडियो है, इस वीडियो को जरूर से पूरा देख लेना। और समटाइम्स क्या होता है, जो भी मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ, जो भी मैं टेक्नोलॉजी थोड़े बातें करता हूँ, तो बिगिनर्स जो लोग होते हैं उनको कन्फ्यूजन हो जाता है, वो आधे में ही स्किप करके निकल जाता है। अगर आप इस तरह से करते जाएंगे ना तो आप सीखने को सीखेंगे नहीं। ओके, तो अगर आपको सीखना है तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना पड़ेगा। समटाइम्स क्या होता है, थियरी समझ में नहीं आता है, प्रैक्टिकल समझ में आता है। ओके, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखिए तो ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो मैंने मुझसे कनेक्ट होने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी दिया है, वो है टेलीग्राम। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, हमारा एक ग्रुप है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो ऑब्वियसली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ उस ग्रुप में जरूर से ज्वाइन हो लेना। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर आपको दे दूंगा, या आप हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। ओके, और मैं अभी आपको बताता हूँ ये गूगल चार्ट ये चीज़ क्या है। अगर आपने गूगल हैंगआउट का इस्तेमाल किया है, जीमेल के अंदर जो हमको गूगल हैंगआउट मिलता था जहाँ पर हम ईमेल के थ्रू चार्ट करते थे, अगर आपने वो इस्तेमाल किया है तो आपको गूगल चार्ट को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। गूगल हैंगआउट में ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, इसमें गूगल चार्ट में आपको ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन अवेलेबल है, वीडियो कॉन्फ्रेंस का अवेलेबल है। मतलब थोड़ा सा ये एडवांस लेवल है, गूगल हैंगआउट का एडवांस लेवल है, और ये अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है, मार्च में या अप्रैल में 2021 में ही इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये इस वीडियो को जरूर से पूरा देख लेना, डेफिनेटली आपको ये हेल्पफुल हो जाएगा। और इवन मैं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बेसिक लैपटॉप और बिगिनर जो भी मैंने कोर्स लॉन्च किया है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर मुझे उनसे वन टू वन बात करना हो तो मैं इसी सॉफ्टवेयर से वन टू वन बात करता हूँ। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप किसी से भी वन टू वन बात करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करेंगे। बहुत ही ईजी मेथड है, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं है। मुझे पता है आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं, अगर आप सही दिल से इसको करेंगे तो हर एक लोग इसको कर सकता है। ओके, तो मुझे पता है। और इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद मुझे ज़रूर से बता देना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, किस तरह से आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें गई, तो आप मुझे लास्ट में फीडबैक ज़रूर दे देना। इससे मुझे भी पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा है, और इससे आपको भी हेल्प होता है। अगर आप लिखने की आदत डालेंगे या टाइपिंग करने की आदत डालेंगे ना तो आपको जल्दी याद रहता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जो भी मेरे वीडियोस आप देखते हो तो मुझे लास्ट में फीडबैक ज़रूर दे देना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा है। ओके, तो अभी चलते हैं हम लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है। मैं हूँ मेरे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। गूगल चार्ट को ओपन करने के लिए आपको फर्स्ट गूगल क्रोम को ओपन करना पड़ेगा। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको गूगल क्रोम को अपडेट करना पड़ेगा। आपका जो गूगल क्रोम है वो पुराना वर्जन है, उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। फर्स्ट लैपटॉप को इंटरनेट कनेक्ट करो, ये जो तीन डॉट दिख रहे हैं आपको राइट साइड में, इसके ऊपर क्लिक करो, सीधा लास्ट में एंड से तीन नंबर पे जो है सेटिंग्स, उसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर आपको लेफ्ट में डाउन में सीधा आपको अबाउट क्रोम का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करो तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट के लिए चेक करेगा। अगर आपका अपडेट नहीं है तो ऑटोमेटिकली अपडेट चेक करेगा और अपडेट जो है इंस्टॉल करेगा, आपको फिर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप वापस से यहाँ पर आके देख सकते हो, आपको चार्ट ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको उस मेथड से भी आपको चार्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, ये जो सर्च बार है यहाँ पर आपको सर्च करना है chart.google.com। तो आपको वो ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा। मैं आपको दो मेथड से भी ओपन करके दिखाता हूँ। एक मेथड ये है chart.google.com, और एक मेथड जो है यहाँ पर आपको ऐप्स के अंदर मिल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, ये जो ऐप्स है इसके अंदर यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से दो तीन मेथड आप इस तरह से ओपन करके इस्तेमाल कर सकते हैं चार्ट का। सो ओपन करने के बाद आपको फर्स्ट ईमेल एड्रेस लॉगिन होने के लिए पूछेगा। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है उससे आपको यहाँ पर लॉगिन होना है। अगर पहले से आपके गूगल क्रोम में जीमेल लॉगिन है तो ये जीमेल लॉगिन होने के लिए नहीं पूछेगा, डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा अगर पहले से ही आपने लॉगिन होकर रखा है जीमेल में। तो फिलहाल मैंने स्क्रैच से बताने के लिए साइन आउट किया था पूरे ईमेल्स। ओके, तो मैं यहाँ पर लॉगिन होता हूँ। साइफन रॉक की एक मेरा जीमेल है, इसमें से मैं लॉगिन होता हूँ। लॉगिन होने के लिए आपको जो भी ईमेल यहाँ पर है उसके ऊपर क्लिक करना है, या अगर आपने कोई भी ईमेल यहाँ पर लॉगिन नहीं हुए तो आपको जीमेल एड्रेस टाइप करने के लिए बोलेगा, तो आपको जीमेल एड्रेस वहाँ पर देना होगा। उसके बाद साइन इन, मैं यहाँ से भी और एक अकाउंट में मैं लॉगिन होता हूँ। यहाँ पर मैं लॉगिन हुआ हूँ साइन रॉक की एक जीमेल एड्रेस है, और एक एंड में जो है मैं दूसरे किसी ईमेल एड्रेस से मैं लॉगिन होता हूँ।
समझ लो कि ये दो अलग अलग यूजर हैं, ये एक अलग यूजर है, एक अलग यूजर है, ये आपको, ये आपका फ्रेंड है, इस तरह से आपको समझना है। मतलब मैं आपको फिर दूसरा स्क्रीन ओपन करके नहीं दिखा सकता, तो इसलिए मैंने क्या किया है, एक ही गूगल क्रोम के अंदर दो अलग अलग टैब ओपन किए हैं, तो मैं दो आपको अलग अलग से दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह से गूगल चार्ट का इंटरफेस ओपन होता है, इस तरह से गूगल चार्ट दिखता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में चार्ट का ऑप्शन है, ओके, और रूम्स, जो भी आप पर्सन से, जो भी आप फ्रेंड से चार्ट करते हो यहाँ पर आपको पूरे दिख जाएंगे, और जो भी आप ग्रुप्स क्रिएट करते हो आपको यहाँ पर ग्रुप्स दिख जाएंगे, ओके। और डाउन में जो है मीट, अगर आपने गूगल मीट का, मेरा एक वीडियो मैंने अपलोड किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस का, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन पर उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, या आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहां से भी क्लिक करके आप गूगल मीट के बारे में देख सकते हो। फिर भी मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, ओके। तो ये हो गया एक तुम्हारा, जैसे मान लो ये आपका इंटरफेस है आपका लैपटॉप है, और एक जो है ये फ्रेंड का आपके, तो मैं यहाँ पर इसका पासवर्ड दे देता हूँ, जो भी मेरा ईमेल एड्रेस है। देखिए ये दो अलग अलग चार्ट है, जैसे मान लो ये आपका चार्ट है, आपका डेस्कटॉप है, और एक जो है आपके फ्रेंड का डेस्कटॉप है, ओके। अब यहाँ से मैं इसको मैसेज सेंड करूँगा, और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैसेज सेंड करना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ से इसको मैसेज सेंड किया है, तो फिलहाल मैं इसको रिमूव करता हूँ, डिलीट कन्वर्सेशन, ताकि मैं आपको फ्रेशली दिखा पाऊँ। देखो यूज़र को ऐड करने के लिए आपको ये जो प्लस बटन दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर उस पर्सन का ईमेल एड्रेस आपको सर्च करना है, जो उसका जीमेल एड्रेस होता है उसका आपको सर्च करना है। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ सैफ ऑफिशियल 125@gmail.com, ओके, यहाँ पर आ चुका है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कन्वर्सेशन ओपन हो जाएगा। इस तरह से ओपन होने के बाद आप यहाँ से उसको मैसेज सेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ हेलो और एंटर, एंटर दबाते ही आप यहाँ पर देख लेना मुझे मैसेज आ चुका है हेलो। राइट, हेलो आ चुका है। एक्चुअली मैंने पहले ही कन्वर्सेशन मैंने टेस्ट किया था, तो अभी यहाँ पर डाउन में आ गया है। अगर मैं इसको रेस्पॉन्स दे दूंगा हाउ आर यू, यहाँ पर आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, गूगल से ऑटोमेटिकली आपको दिखाया जाता है। यहाँ हाउ आर यू मैंने सेलेक्ट किया है, और मैं एंटर दबा देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख लेना हाउ आर यू मुझे यहाँ पर आ जाएगा, हाउ आर यू। सही, ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है गुड एंड यू। अगर आप जो भी सर्च करना टाइप करना चाहते हो आप टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, ओके। इस तरह से आप टाइप करके सेंड कर सकते हैं, यहाँ पर देखो आई एम गुड व्हाट अबाउट यू। इस तरह से ये दो फ्रेंड्स की कन्वर्सेशन हो रहा है ईमेल के थ्रू। देखिए इसको चार्ट करने के लिए आपको, जो आपका ऑपोजिट बंदा है, जो भी आपका ऑपोजिट फ्रेंड है, उसके पास लैपटॉप ही रहना है ऐसा जरूरी नहीं है, वो उसके मोबाइल से भी इस तरह से कम्युनिकेट कर सकता है। आप लैपटॉप में चार्ट करेंगे, वो मोबाइल से आपको रेस्पॉन्स दे देगा। एंड्रॉइड में भी आपको चार्ट एक मैसेज मिलता है, मैसेंजर मिलता है, आप एंड्रॉयड इसमें गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर आप सर्च कर लेना चार्ट, आपको मिल जाएगा, ओके। तो आप मोबाइल से इसमें भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसका बेनिफिट तब होता है जब आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो, आपको मोबाइल अलाउ नहीं है, तो आप इस तरह से किसी फ्रेंड के पास भी कम्युनिकेट कर सकते हो। और मैंने इसका इस्तेमाल किया है, मतलब हैंगआउट का मैंने इस्तेमाल किया है इस मेथड से, ओके। तो ये हो गया, इस तरह से आप एक दूसरे के साथ में ईमेल के थ्रू पर्सनल चैट कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, आपको ग्रुप क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है रूम्स, ओके। तो ग्रुप किस तरह से क्रिएट करना है, ये जो प्लस ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्रिएट रूम के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट रूम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको उस ग्रुप का नाम देना है, जैसे मैं नाम देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट बैच, ओके, मैं फर्स्ट बैच यहाँ पर नाम देता हूँ। और जिसको भी आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, जितने भी बंदे को आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, उनका आपको यहाँ पर नाम ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ आस्क फॉर मैक्स, ये मेरे ही ईमेल एड्रेस है, मैं आपको दिखाने के लिए टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ, ओके, gmail.com। ये एक जीमेल एड्रेस है, और एक मैं जीमेल यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, gmail.com, ओके। ये दो भी मेरे ही ईमेल एड्रेस है, के अंदर सॉरी मैंने रॉन्ग टाइप किया है यहाँ पर, तो मैं और एक बार यहाँ पर टाइप करता हूँ, राइट, अरे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आ चुका है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरे दो ईमेल जो है यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह से आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स के आप ऐड करना चाहते हो, उतने फ्रेंड्स को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड होने के बाद आपको ये जो ब्लैंक एरिया दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है,
जो ये एरिया दिख रहा है यहाँ पर आप कहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से क्लिक करने के बाद आपको वो जो ऑप्शन था वो हाइड हो जाएगा, आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे फर्स्ट बैच एक ग्रुप यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ओके यहाँ पर देखो फर्स्ट बैच एक ग्रुप जो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, आप यहाँ से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी फाइल यहाँ पर सेंड करना चाहते हो, कोई भी इमेज आप सेंड करना चाहते हो, या आप ग्रुप में वीडियो कॉन्फ्रेंस बात करना चाहते हो, तो पूरे आपको यहाँ पर राइट साइड में ऑप्शन मिल जाता है। ओके अगर आप इमोजी ऐड करना चाहते हो चैट में, तो आप यहाँ से इमोजी भी आप चैट ऐड कर सकते हो। अगर आप कुछ भी अपलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो, जो भी आपके कंप्यूटर पर है। तो अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं आपको आपका जो कंप्यूटर है वो ओपन हो जाएगा, चाहे वो डाउनलोड्स के अंदर हो, या जे ड्राइव के अंदर हो, एफ ड्राइव के अंदर हो, जो जहाँ पर भी आपके फाइल्स है। ओके वहाँ पर से आपको इस तरह सेलेक्ट करना है। जैसे मैं इस इमेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस इमेज को मैं सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ, यहाँ पर देख लेना वो इमेज जो है यहाँ से सेंड हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ से जो है फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और एक नया डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप क्रिएट करना चाहते हो गूगल शीट हो, गूगल डॉक हो, गूगल स्लाइड्स हो, आप यहाँ से फाइल्स देख लेना। अगर इस ग्रुप जो भी आपका ग्रुप आपने क्रिएट किया है, कम्युनिकेशन के टाइम में आपने जो भी फाइल्स सेंड किए हैं, फोल्डर सेंड किए हैं, तो सॉरी फाइल्स शेयर किए हैं, वो पूरे फाइल्स आपको यहाँ पर फाइल्स के अंदर मिल जाएंगे। और टास्क जो है, टास्क मतलब अगर आप पर्टिकुलरली कुछ टास्क देना चाहते हो, अगर आप एक टीचर हो या आप एक ग्रुप पर मेन हो, तो आप आपके फ्रेंड को जो है आप टास्क दे सकते हो, या आप खुद टास्क क्रिएट कर सकते हो कि मतलब आपके लिए ये टास्क है, आपके लिए टास्क है। इस तरह से आप अलग अलग से टास्क उनको दे सकते हो। अगर आपको टास्क क्रिएट करना है तो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से टास्क क्रिएट करना है। तो टास्क के ऊपर जाने के बाद आपको ऐड रूम टास्क के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जस्ट अ सेकंड, मेरा इंटरनेट बहुत स्लो है यार। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद टाइटल, जो भी टास्क का टाइटल है उसको वो यहाँ पर आपको देना है। जैसे प्रेजेंटेशन, मैं यहाँ पर देता हूँ प्रेजेंटेशन, पीपीटी देता हूँ। आगे पीपीटी में कैंसर, पीपीटी और डिटेल्स, मतलब पीपीटी के बारे में जो भी डिटेल है, जो भी आप टास्क उनको बोलना चाहते हो, तो आप यहाँ पर मैसेज जो भी आपका है वो टाइप कर सकते हो। टाइप करने के बाद अगर आप डेट एंड टाइम ऐड करना चाहते हो, तो आप यहाँ से डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हो, जिसको डेट जिस डेट को भी उसको कंप्लीट करना है, या जिस डेट को भी आपने ये अपडेट किया है, आप इस यहाँ पर जो है डेट एंड टाइम डाल सकते हो। और किसने अजाइन किया है, मतलब किसने ये मीटिंग जो है, ये टास्क जो है अजाइन किया है, उनका आप यहाँ पर जीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। जीमेल सेलेक्ट करने के बाद ऐड के ऊपर क्लिक करते ही वो जो टास्क जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर देखो टास्क क्रिएट हो चुका है। और टास्क कंप्लीट होने के बाद आपको ये जो मार्क है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही ये टास्क कंप्लीट होने के बाद ये डाउन में यहाँ पर आ जाएगा। ओके कंप्लीटेड टास्क, ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप ग्रुप में मिलकर जो है टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी आपके टास्क हैं, आपके जो भी फाइल्स हैं आप शेयर कर सकते हो। आप अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या घर से जो है स्टडी चल रही है, राइट, तो उस टाइम में आपको ये प्लेटफॉर्म बहुत ही यूजफुल है। आप ज़रूर से इसको इस्तेमाल कर लेना, आपके जो भी क्लासमेट्स हैं उनसे आप बात कर लेना, तो आपको ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं इसका पर्सनल इस्तेमाल जो है, मेरे जो भी मीटिंग्स होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन होती है, मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं वन टू वन जो बात होती है, तो मैं यहाँ से बात करता हूँ। जैसे न्यू मीटिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, न्यू मीटिंग के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर मुझे एक लिंक मिल जाता है। इस लिंक को मैं कॉपी करके उनके साथ शेयर करता हूँ जिनके साथ भी मैं बात करना चाहता हूँ। ओके और यहाँ पर मैं स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करते ही हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है स्टार्ट होता है, वो लिंक के ऊपर क्लिक करते ही वो लाइव में आ जाता है, तो हमारे हम दोनों का जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस बात स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आप न्यू मीटिंग के अंदर मतलब लिंक क्रिएट करके भी एक दूसरे से आप बात कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। या अगर आपको मीटिंग को ज्वाइन होना है, अगर आपको किसी ने मीटिंग क्रिएट की है, और ये सब मैंने मेरा एक वीडियो अपलोड किया है किस तरह से मीटिंग क्रिएट करना है, कहाँ पर कोड मिलता है, वो कोड आपको यहाँ पर किस तरह से डालना है, पूरा मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर अपलोड किया है। तो प्लीज़ आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। ओके और मैं यहाँ पर तो मैंने पूरा कवर किया है ऑलमोस्ट, ये कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड क्लोज हो जाएगा। ओके और इसके ऊपर वापस से क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड जो है ओपन हो जाएगा। और साइड में जो है अगर आप एक्टिव हो, लाइव में हो, तो आप अपना जो स्टेटस है आप एक्टिव रख सकते हो। अगर आप नोटिफिकेशन सब रिसीव नहीं करना चाहते, मतलब नोटिफिकेशन आपको नहीं आना है, तो आप डू नॉट डिस्टर्ब के ऊपर सेट कर सकते हैं। या आप यहाँ पर नहीं हो, लाइव में नहीं हो, आपने वर्क पे हो, तो आप यहाँ पर सेट एज अवे के ऊपर क्लिक कर सकते हो, तो आपको कुछ भी मैसेजेस कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आ जाएंगे। तो फिलहाल मैं ऑटोमेटिक के ऊपर रखता हूँ। ओके और बाकी के जो भी ऑप्शन है ये पूरे सर्च है। अगर आपने रूम्स के अंदर, चार्ट के अंदर किसके अभी आप ग्रुप सर्च करना चाहते हो, अभी फिलहाल एक दो ग्रुप है तो हमको इजीली मिल रहा है। अगर आपके बहुत ज़्यादा ग्रुप्स आएंगे तो आपको इस सर्च करने के लिए इसका ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है आपको यूजफुल हो जाएगा। तो आप यहाँ से सर्च करके ढूंढ सकते हैं उस ग्रुप को, उस नाम को, जिसके साथ भी आप फ्रेंड्स के साथ बात करना चाहते हो। और ये कुछ नहीं है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज ऑप्शन है।
आई होप आपको मैंने इजी वे में समझाया है, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपके पास कुछ भी डाउट है, स्टिल आपके पास डाउट है, तो मैंने आपको फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे इसके बारे में आप पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकता है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, और एटलीस्ट एक या दो ग्रुप में जरूर शेयर कर देना व्हाट्सएप में। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपने इस वीडियो में क्या सीखा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना, इससे आपके ही नॉलेज बढ़ेगी। ओके, आप मतलब जो भी आप सीखते हो उसको आप रिवाइज करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी नॉलेज बढ़ती है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जो भी आपने सीखा है उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से टाइप कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।